दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए अजमेर में शनिवार की जो दोपहर है वो एक बुरी खबर लेकर आई है। शनिवार की दोपहर को अजमेर में एक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के नालाबाजार इलाके से उनकी मौत हो चुकी है। उनको बचाने का अजमेर के जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि उनको डायबिटीज की बीमारी थी, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो उनका है वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उसके साथ साथ उनका थोड़े दिन पहले ही एक ऑपरेशन भी हुआ था, और उसी के बाद में जब कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है तो उसके बाद में उनकी जो स्वास्थ्य था वो लगातार गड़बड़ाता जा रहा था। शुरुआती दिनों के अंदर जो जिला अस्पताल के चिकित्सक हैं उन्होंने इनके तमाम जितने भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां इनको रिस्पेक्ट हुई थी उनको कंट्रोल में किया था, दवाइयों से इनका इलाज बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था। लेकिन पिछले 4 दिनों से इनकी हालत बहुत नाजुक स्थिति में आ चुकी थी, और इस दौरान इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और शनिवार की जो दोपहर है, शनिवार को दोपहर को वेंटिलेटर पर उनकी मौत हो गई है। पिछले 4 दिन से वो अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, और लगातार इनका जो परिवार के बाकी के सदस्य हैं जिसमें इनकी जो पत्नी है वो कोरोना नेगेटिव है, लेकिन कुछ परिवार के इनके और सदस्य हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी हालत फिलहाल ठीक है। और अब जब विनोद जो 45 वर्षीय विनोद है नालाबाजार के, इनका जो अंतिम संस्कार होगा उनकी जो कागजी कार्रवाई है वो अस्पताल प्रशासन ने पूरी कर ली है, लेकिन अभी ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिरकार इनका जो अंतिम संस्कार होगा वो जिला प्रशासन करेगा या फिर जो परिजन है इनके वो आकर करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं WHO के और जो स्वास्थ्य विभाग के और जो प्रोटोकॉल्स आते हैं उसके मुताबिक कोरोना पॉजिटिव जो मृतक है उसके लिए एक अलग से गाइडलाइंस है, उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी जो विनोद कुमार थे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार अगर अंतिम संस्कार करना चाहेगा तो परिवार को भी अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग तरीके से होगी। जो परिवार है वो तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है उनको उसकी पालना करनी होगी, और पालना के साथ ही क्योंकि जो मृतक विनोद कुमार थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, और इसी के चलते अब अगर कोई भी परिवार का सदस्य अंतिम संस्कार के लिए आता है हमें बढ़ता है तो उनको गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। और अगर परिवार चाहेगा कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर अंतिम संस्कार उनका करे तो उसके लिए भी अजमेर का जो जिला प्रशासन है चिकित्सा विभाग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब केवल इंतजार परिजन की ओर से उनका फैसला आने का है कि आखिरकार अंतिम संस्कार इस विनोद का वो किस तरीके से और कौन करेगा। लेकिन शनिवार के दोपहर एक बुरी खबर है कि जिस तरीके से अजमेर के अंदर 164-163 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े के दौरान एक पहली मौत है, और एक जो मरीज जैसा हम बता रहे हैं 45 वर्षीय उम्र भी इनकी इतनी ज्यादा नहीं थी, कहा जाए कि ये बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि इनको जो बीमारी थी डायबिटीज की थी इसके साथ में इनका एक ऑपरेशन भी हो चुका है अभी हाल ही के अंदर। और हालात जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है अस्पताल में भर्ती हुए शुरुआती दौर में ठीक थे, लेकिन पिछले 5 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद जब ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल में नहीं आया तो इनकी मौत हो गई है। बहुत दुखद खबर है। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी आज हमारा एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट उनका दुखद निधन हो गया। नालाबाजार निवासी 45 वर्षीय थे, और उनके करीब फैमिली के काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं, वो हमारे वार्ड में भर्ती हैं, बाकी सब लोग स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी बीमारी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाई और अंततः उनका दुखद निधन हो गया। इनको डायबिटीज़ भी थी जो अनकंट्रोल थी, डायबिटीज़ की वजह से कीटोएस्टोसिस भी इनको हो गया था, और उसकी वजह से इनकी किडनी भी कमज़ोर हो गई थी काफ़ी। किडनी कमज़ोर होने के बाद हमने इनका सक्सेसफुल डायलिसिस भी किया, वो शायद मेरे ख्याल से कोरोना पॉजिटिव का पहला डायलिसिस था, और उसके बाद इनकी किडनी काफ़ी थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आज काफ़ी कोशिशों के बावजूद इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ पाया। काफ़ी सारी दवाइयाँ लगाई, सब तरीके कोशिश की, और लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आने की वजह से इनका आज दुखद निधन हो गया। और भी इनको कई प्रॉब्लम थी कि इनका सेप्टिसीमिया भी हो रहा था, इनके ब्लड काउंट्स काफ़ी बढ़े हुए थे, इन्फेक्शन भी कंट्रोल नहीं आया था, सारी तरह की दवाइयाँ वाइयाँ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो उनका शांत हो गए। हमें बहुत दुख है। पिछले 7 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थे, और लगातार वैसे तो शुरू में काफ़ी ठीक रहे, लेकिन पिछले 4 दिन से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और उसके बाद कंट्रोल काफ़ी कोशिशों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाए। सर, इनके जो संपर्क में आए, किसके संपर्क में ये आए थे, जिनसे इनको हुआ,
उनकी और आसपास के लोगों की क्या स्थिति? बाकी सब लोग जो इनके इनके परिवार वाले भी, इनके पिताजी, इनकी माताजी, वो ठीक हैं। इनकी वाइफ जो है कोरोना नेगेटिव थी, लेकिन उनको क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव के केस में कॉन्टेक्ट थी, तो उनको वो क्वारंटीन सेंटर में है। मदर फादर उनके हमारे यहीं भर्ती हैं। कौन किसके संपर्क से आए थे? ये नल्ला बाज़ार का एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। अभी कोई अंतिम संस्कार सिर्फ प्रशासन के प्रशासन करेगा या परिजन आ पाएंगे? नहीं, अभी हमने हमको इनके परिजनों को सूचना दे दी है, हमने इनके परिजनों को सूचना दे दी है। अगर वो चाहेंगे तो हम प्रशासन भी इनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है, और अगर वो लोग चाहेंगे तो जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस हैं, बॉडी को बॉडी बैग में रैप करा जाएगा, और बॉडी बैग में रैप कर दिया गया है, मॉर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है, इसके लिए स्पेशल बॉडी बैग होता है, उसमें शिफ्ट करके रैप करके उनको भेज दिया गया है, और उसके ऊपर हाइपोक्लोराइड का स्प्रे कराया गया है बॉडी ऊपर, जिससे कि उनके जो शव से किसी दूसरे को इन्फेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है।